हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अड्डा स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, कल यानी कि 24 दिसंबर 2020 को BIS रिक्रूटमेंट 2020 का एग्जामिनेशन होने वाला है। पहले एग्जामिनेशन 8 दिसंबर 2020 को होने वाला था, लेकिन एग्जाम पोस्टपोन हुआ। फाइनली ये एग्जाम 24 दिसंबर यानी कि कल होने वाला है। ठीक है, अब ये एग्जामिनेशन बहुत सालों बाद हो रहा है। पिछली इसकी जो वैकेंसी थी 2015 में आई थी, और इस बार वैकेंसी 2020 में आई है, यानी कि 5 सालों के बाद इसकी दूसरी वैकेंसी आई है। ठीक है, अब स्टूडेंट के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। इतने सालों बाद पहली बार पेपर हो रहा है। अब इनके मन में प्रश्न ऐसे आ रहे हैं कि इस बार 2020 में कितने फॉर्म पड़े हैं, पिछले बार 2015 में कट ऑफ क्या गई थी, इस बार का सेफ स्कोर क्या हो सकता है, एग्जाम कैसा आएगा, पैटर्न क्या होगा उसका। ठीक है, उसके एग्जामिनेशन के लेवल कैसे होंगे, बैंकिंग लेवल के होंगे या फिर SSC के लेवल के होंगे। ठीक है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन के इस बार मार्केट में ना कोई मॉडल पेपर है, ना ही इंटरनेट पे कोई हमको मॉडल पेपर मिला, तो इसलिए स्टूडेंट का भी परेशान होना जायज है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में पूरा सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं अच्छे तरीके से। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने वाली है, वो देने वाला हूँ, वो अंतिम में दूंगा, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और हम लोग इस चीज को समझेंगे पहले, यानी कि 2015 के एग्जामिनेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें, 2015 में इसकी वैकेंसी आई थी, पिछली 2015 में वैकेंसी आई थी, लेकिन इसका एग्जामिनेशन कब हुआ था, 2016 में। पिछली बार वैकेंसी जितनी आई थी वो कितनी वैकेंसी थी, 25 वैकेंसी थी टोटल। ठीक है, 25 वैकेंसी थी। ठीक है, 25 वैकेंसी थी इस पिछली बार, और जिसमें आपके UR की यानी कि जनरल की कोई सीट नहीं थी। पिछली बार तो UWS था ही नहीं। ठीक है, UR की कोई वैकेंसी नहीं थी, UR की, OBC की भी कोई वैकेंसी नहीं थी। ठीक है, कोई वैकेंसी नहीं थी OBC की। SC की वैकेंसी आई थी, और SC की 9 वैकेंसी आई थी, ST की 13 वैकेंसी आई थी, 13, और PWD यानी कि फिजिकल हैंडीकैप की जो वैकेंसी थी वो 3 वैकेंसी थी। ठीक है, अब पिछली बार अगर कट ऑफ की बात करें, जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके जो स्कोर की बात करें, तो पिछली बार जो देखिए, इनके तो UR की कोई वैकेंसी थी नहीं, EWS की कोई वैकेंसी। अब पिछली बार 3 पोस्ट आए थे। ठीक है, स्टेनो के पोस्ट थे, स्टेनो थे, टेक्नीशियन थे, और UDC थी। ठीक है, UDC की पोस्ट आई थी। ठीक है, और इस बार SSA से लेके बहुत सारे पोस्ट आए हैं, और हम लोग इस वीडियो में SSA के बारे में डिस्कस करने वाले, क्योंकि SSA के ही स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैं इस बार। ठीक है, तो पिछली बार जो हम लोग कट ऑफ की बात करें, देखिए, जो SC कैटेगरी का जो टॉपर था, SC कैटेगरी का जो टॉपर था, इसके जो स्कोर थे कितने थे आपके, 148। ठीक थे, 148 नंबर थे इनके, 148.75 जिनका सिलेक्शन हुआ था उनके मैं बात कर रहा हूं। और जिसमें सबसे लास्ट जिसका सिलेक्शन हुआ था उसके जो नंबर थे आपके 136.75। अगर हम लोग वही ST की बात कर लें, तो ST का जो टॉपर था उसके जो नंबर थे 157 थे। ठीक है, 157.75, और जो इसका लास्ट जो सिलेक्शन लिया था उसका जो नंबर था 119 नंबर थे। ठीक है, UBC और OBC और UR की कोई वैकेंसी नहीं थी। SC की जो वैकेंसी थी 9 वैकेंसी, उसमें जो टॉपर था, वैकेंसी कम थी, देखिए फिर भी कट ऑफ इसके कम गए थे ST के अपेक्षा। जो टॉपर था उसका जो सिलेक्शन हुआ था 148.75, और जो लास्ट था उसका 136.75। अगर ST में बात करें, जो टॉपर का जिसका सिलेक्शन हुआ था 157.75, और लास्ट में जो वैकेंसी, लास्ट जो सिलेक्शन लिया था उसका 119 नंबर थे। ठीक है, अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें, तो परसेंटेज में देखा है तो इसके जो नंबर थे 75% लगभग थे, लगभग 75%, और इसके जो नंबर थे लगभग 70% थे, और यहाँ पे जो कैंडिडेट सिलेक्शन लिया वो लगभग 80% नंबर लाया था, और यहाँ पे जो था वो 60% के लगभग नंबर लाया था। ठीक है, ये तो हो गया 2015 की वैकेंसी की बात। 15 में वैकेंसी आई थी, लेकिन 16 में इसका पेपर हुआ था। ठीक है, और इस बार 2020 में कितने फॉर्म पड़े हैं ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए, 2020 में जो फॉर्म पड़े हैं हम लोग देखते हैं, देखिए 2020 में जो फॉर्म पड़े हैं आपके, वो टोटल फॉर्म पड़े हैं आपके 58,863। RTI के थ्रू पता चला है 58,863 फॉर्म पड़े हैं, और वैकेंसी कितनी इस बार, 79 वैकेंसी है। ठीक है, हम लोग ये भी देखेंगे कि वैकेंसी वाइज यानी कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, और कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म फिल हुए हैं 2020 में। तो कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए, तो UR की जो और EWS की, OBC की,
एससी की और एसटी की, अगर इनकी वैकेंसी की बात करें और इनके जो फॉर्म फिल हुए हैं उसकी हम लोग बात करें, वैकेंसी इसमें थी 35 वैकेंसी, ठीक है। यूआर की, ओबीसी की वैकेंसी आपकी 21 और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी आपकी 7 वैकेंसी, 11 जो वैकेंसी है एससी की और 5 वैकेंसी है एसटी की, ठीक है। फॉर्म अगर देखा जाए इनके फॉर्म कितने फिल हुए हैं, तो यूआर के फॉर्म फिल हुए हैं आपके 17,239 फॉर्म फिल हुए हैं, ठीक है। और वहीं ओबीसी की बात करें तो 17,294 फॉर्म फिल हुए हैं, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस के 2,546 फॉर्म फिल हुए हैं, एससी के जो फॉर्म पड़े हैं 16,266 और एसटी के जो फॉर्म फिल हुए हैं वो आपके 5,518 ये फॉर्म है, ठीक है। कैटेगरी वाइज हमने बता दिया वैकेंसी कितनी है, 35 वैकेंसी, 17,239 फॉर्म यूआर का, ईडब्ल्यूएस का जो 7 वैकेंसी, 2,546 फॉर्म पड़े हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के जो थे 21 वैकेंसी के लिए 17,249 फॉर्म पड़े हैं, 294 फॉर्म पड़े हैं, एससी के 11 वैकेंसी के लिए 16,266 फॉर्म पड़े हैं और एसटी के 5 वैकेंसी के लिए 5,518 फॉर्म पड़े हैं, ठीक है। ये तो क्या 2015 की कट ऑफ और 2020 में जो फॉर्म पड़े हैं उसकी बात हो गई, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए ये तो हो गया यहाँ का जो वैकेंसी प्लस 2015 में जो स्कोर गया था उसकी बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो पेपर का पेपर कैसे होने वाला है और क्या नाम है इसका जो इस बार सेफ स्कोर क्या हो सकता है। सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे पेपर का पैटर्न क्या होगा। देखिए पेपर जो होगा टोटल 150 नंबर का होगा, पिछली बार 200 नंबर का था, इस बार 150 नंबर का होने वाला है, ठीक है। पिछली बार 200 नंबर का था और इस बार देखिए 150 नंबर का होने वाला है, 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के, ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स के होंगे, ठीक है। अब इसमें रीजनिंग का जो सेक्शन होगा, रीजनिंग का सेक्शन जो होगा इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश का जो सेक्शन होगा इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे और मैथ का जो सेक्शन होगा इसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे और जीए का जो सेक्शन होगा इसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे, ठीक है। अब देखिए जो इसका पैटर्न कैसे होने वाला है, पैटर्न जो अगर आप एसएससी का एग्जाम दोगे तो एसएससी के एग्जाम पे ही बेस पे ही इसका एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। एसएससी के बेस पे इसका भी एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो आपके ये एग्जाम हो सकते हैं अच्छे, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसमें जो फाइनली पहली बात कह दी गई है, इसमें आपको जो 50% जो नंबर है वो लाने ही लाने होंगे, मतलब 50% नंबर आपको लाने ही लाने होंगे, आपको ये बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है, सारे कैंडिडेट को, ठीक है। और पिछली बार की जो भी वैकेंसी थी उसमें देखिए आपके आपने हमने देखा 75% 70% 80% और 60%, लेकिन आपको यहां पे ओवरऑल अगर देखने को मिला देखा जाए तो 70% आपके एक ओवरऑल सेफ अटेम्प्ट है, सेफ है 70%। लेकिन हम लोग अगर जनरल की बात करें कि जनरल का कितना सेफ होना चाहिए, आप वैसे भी कोई भी एग्जाम देते हो उसमें अगर 70% आप स्कोर कर रहे हो तो आप उसमें सेफ माने जाते हो और सेफ हो भी जाते हो, ठीक है। इसलिए अगर हम यूआर की बात करते हैं, यूआर की यूआर कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी अगर हम लोग बात करें तो अगर आप 120 स्कोर कर लेते हो, 120 प्लस अगर 120 भी स्कोर कर लेते हो तो आप सेफ हो, कितने में 150 में, आउट ऑफ 150 अगर 120 आप स्कोर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप फाइनली पूरी तरीके से सेफ हो, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इतना मैं आपको सेफ स्कोर क्यों बता रहा हूं, ठीक है। और अगर वही बात करें ओबीसी की, सॉरी सबसे पहले अगर आप 120 नहीं ला पा रहे हो तो 110 यानी कि 110 से 115 आपके स्कोर होने चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया जनरल की बात, अगर आप 120 स्कोर करें तो आप पूरी तरह से सेफ हो, नहीं तो आपके स्कोर 110 से 115 के बीच में होने चाहिए, ठीक है। अगर वही बात करें ओबीसी की, एससी की, एसटी की और ईडब्ल्यूएस की, तो आपके जो स्कोर होंगे वो 90 प्लस होने चाहिए, 90 प्लस आपके स्कोर होने चाहिए तो आप पूरी तरीके से सेफ हो, फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। सबसे पहली चीज आप देखिए 150 नंबर के क्वेश्चन, 150 नंबर के पेपर में
150 नंबर के पेपर में 50% तो आपको लाना कंपलसरी है, तो यानी कि 75 नंबर आपके लाने ही लाने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वही 80-90 के आसपास अगर स्कोर कर रहे हो और इस कैटेगरी के अंदर बिलोंग कर रहे हो, तो आप पूरी तरीके से सेफ हो, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब देखिए इसमें 110, 115, 120 लाना, सॉरी अगर 120 टफ लग रहा हो तो 110, 115 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हो तो इसमें लोग 45-50 स्कोर आराम से करते हैं, तो आप यहाँ पे 45 अगर कर ले रहे हो, और इंग्लिश में अगर आप 30 भी स्कोर कर रहे हो, 30 से 35 अगर स्कोर कर ले रहे हो, ठीक है, और मैथ में आपके 15 से 20 अगर स्कोर होंगे, और अगर जीएस में नहीं कुछ अगर तैयार है, आपके करंट वगैरह थोड़ा बहुत तैयार है, तो आप अगर 15 भी स्कोर कर ले रहे हो, तो आप अच्छे तरीके से 110 तो क्रॉस ही कर जाओगे। देखिए 45 यहाँ हो गया, 45, 50, 60, 30, 90, 100, 105 105 नंबर आपके हो जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ये 35 स्कोर कर ले रहे हो, 20 स्कोर कर ले रहे हो, तो 115-20 भी पहुंच सकते हो आप आराम से, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, आपके जो अगर आप एसएससी का एग्जामिनेशन देते हो, एसएससी के एग्जाम के अगर पैटर्न आप वाकिफ हैं, तो आपका एग्जाम इसमें वैसे ही होने वाला है। और परेशान होना इसलिए जाहिर सी बात है क्योंकि कोई मार्केट में मॉडल पेपर भी नहीं मिला इसका, और ना ही इसके कोई इंटरनेट पे ही कोई प्रैक्टिस सेट मिला है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग परेशान ना होइए, अगर आप एसएससी के पेपर देते आ रहे हैं तो आप एसएससी के बेसिस पे इसका भी एग्जाम दीजिएगा, अच्छा स्कोर होगा और अच्छे तरीके से अगर आप प्रिपेयर हैं तो, ठीक है। और अगर आपको मेरी तरीके से अगर बात करा जाए, तो अगर यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 110 मिनिमम स्कोर होने ही चाहिए, और अगर फला और बाकी वैकेंसी कैटेगरी से रिलेटेड हो तो आपके 90 प्लस स्कोर होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये मैंने अगर इतना बताया, आपको हो सकता है ज्यादा लग रहा हो, लेकिन ज्यादा की बात नहीं है इसमें, मैं अगर इतना बताऊं तो इसका मतलब यह है कि आप अगर इतना ला रहे हो तो फाइनली पूरी तरीके से आप सेफ हो आगे के स्टेज के लिए, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि 2015 में वैकेंसी कितनी थी कैटेगरी वाइज, और 2015 में जो आपके कट ऑफ गए थे वो कितने गए थे, और 2015 में जो आपके परसेंटेज मार्क अगर रहा जाए तो वो देखा जाए तो वो भी कितने गए थे, ये हमने डिस्कस कर लिया। 2020 में कितने फॉर्म पढ़े ये भी हमने डिस्कस कर लिया, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज 2020 में कितने फॉर्म पढ़े ये भी हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया, और हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया सेफ स्कोर का। और इतना मान के मत चलिएगा कि जो मैंने बता दिया वो कट ऑफ ही है, लेकिन इतना मान के चलो आप इतना कर ला रहे हो तो आप पूरी तरीके से आगे के स्टेज के लिए पूरी तरीके से सेफ हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपके सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा, और कल के एग्जामिनेशन के बाद एनालिसिस को लेकर मैं सामने आऊंगा आपके, ठीक है। तो आप लोग कल मिलते हैं कल के वीडियो में। और दूसरी चीज, मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला था, इन्फॉर्मेशन ये कि आरआरबी एनटीपीसी का अगर आप लोग फॉर्म पढ़े हैं, आरआरबी एनटीपीसी का अगर आप फॉर्म डाले हैं और उसके अगर फर्स्ट फेज में एग्जामिनेशन है तो भी कोई बात नहीं, अगर सेकंड फेज या फिर उसके आगे के फेज में अगर आपके एग्जामिनेशन है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे विद आपके करंट अफेयर के साथ, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जीएस के जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको कराऊंगा, स्टैटिक जीके और साथ ही साथ जनरल साइंस के, और टॉपिक वाइज भी जीके मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। इसलिए अगर आप चैनल पे हमारे जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, और इतनी अच्छी जानकारी आपको दिया हूं तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आप अपने टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, टारगेट अड्डा स्टडी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे हमसे जुड़ सकते हो। तो जो भी इसके पीडीएफ होने वाले हैं जो एनटीपीसी के, हम आपको वहीं देते हैं, आप वहां से उसको पा सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और कल के एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक टारगेट अड्डा टीम की तरफ से, ठीक है। आप अच्छे से एग्जाम दीजिएगा एकदम फ्री होके, रिलैक्स होके, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, और कल के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।